टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जी आपने मुझे अपना दोस्त समझा, मेरे लिए एजाज की बात है। मलूक शाह की अकलौती बेटी, लाडली जहीन। बस कीजिए, इससे ज्यादा तारीफें मुझे हजम नहीं होंगी। वैसे भी इकलौती और लाडली होना कोई तारीफ की बात नहीं। हाँ, लेकिन जहां तक जहानत की बात की आपने, इतना जरूर कहूंगी कि बहुत कम मर्दों के मुंह से औरत की जहानत की तारीफ सुनी है मैंने। सुन के अच्छा भी लगा और थोड़ी हैरानगी भी हुई। तो फिर ये भी सुन लीजिए कि मेरा तो कुछ यूं ख्याल है कि आप हुस्न और जहानत का मुकम्मल पैकर हैं। कमाल है भाई, एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक कामयाब जमींदार, एक माहिर शिकारी, शायराना बातें भी कर सकता है। अब आप ज्यादती कर रहे हैं रोहित जी, मैं ये सब चीजें होने के अलावा एक शायर भी तो हूँ। फिर तो कहा जाएगा कि आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन नहीं, मिस्टर परफेक्ट होने का टाइटल तो मैं आपको जब ही दूंगी जब आप मेरे साथ मिलके इस रोही के लिए कुछ करेंगे। आप हुक्म करें, मैं जमीन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। रोही जी, गर्दी जी साहब, थर में देखा था मैंने, वहां की बंजर जमीनों में वहां के इलाकाई लोगों के लिए कुछ गड़े बना दिए जाते हैं सीमेंट के,
तो जब बारिशें होती हैं तो उधर पानी जमा हो जाता है और उसके ऊपर वो कुछ चमड़े के कपड़े से उसको आलूदी से पाक रखने के लिए बंद कर देते हैं, जो कि 3-4 महीने के लिए काफ़ी होता है उनके लोगों के लिए। मैं सोच ये रही थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा ही कोई प्रोसेस हम अपने रोही के लिए भी करें। बहुत जबरदस्त आइडिया है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल किया जा सकता है और जरूर करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप इस प्लानिंग की सारी तफसील मंगवाएं, जमीन पे जो रिसर्च करना है वो मैं करवाऊंगा। शुक्रिया। तो क्या फिर आप मुझे मिस्टर परफेक्ट टाइटल देंगे? आपके हाँ कहने पे ही दे चुकी हूँ। अगर मेरी रूही और गर्देजी की बात बन जाए तो कितना अच्छा हो। क्या बात है, बिल्कुल चुप चपीती हो गई है। शाह जी, एक बात तो बताएं, ये अहमद शाह गर्देजी कैसा रहेगा अपनी धीरानी के लिए? लेकिन उसने कभी कोई बात तो नहीं की, मतलब कोई इशारा तो नहीं दिया। वैसे सच्ची बात है, मैं तो बड़ी खुश होंगी अगर ऐसा हो जाता है तो। कम से कम उस सिकंदर से तो जान छूटेगी, नफरत है मुझे उससे। मुझे तो ऐसा लगता है साईं कि जैसे सिकंदर के साथ कोई बदकिस्मती का साया चल रहा हो, जो वो हमारे घर तक ला चुका है। देखा नहीं है आपने, उसकी जिंदगी में आते ही हमारी रोही दी कैसे बुझी बुझी रहने लगी है। अब मेरी रोही को कोई नहीं बुझा सकता। पता नहीं साईं क्या लिखा है नसीब में। रोही का नसीब वही होगा जिसका फैसला वो खुद करेगी। तो क्या हम तमाशाई बनकर इंतजार करते रहें और वो पागल सिकंदर हमारी रोही की जिंदगी में मंडलाता रहे? साईं, बात अभी ज्यादा आगे तक निकली नहीं है और दिलशाद महल वाले उन्हें बिस्तियों से थोड़ा डर लगता है। किसकी जरूरत है जो मेरी रोही का नाम जुबान पर लाए? मैं जुबान गुद्दी से खींच कर तली पे रख दूंगा। साईं, जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल ना हो ना, वो किसी दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते। बस साईं, मैं खुद अपनी धी से बात करूंगी। उसके दिल में क्या है, क्या चाहती है, इसका फैसला उसने खुद करना है। ना गर्देजी ने, ना सिकंदर ने, ना तूने और ना मैंने। कमाल करते हैं शाह जी, दी है। कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। हेलो, कहाँ पे हो? तुम घर पे हो? हाँ, लेकिन तुम अब ना आ जाना। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि हमारे घर के दरवाजे इस तरह आने वालों के लिए नहीं खुले सिकंदर। क्या मतलब, क्या हुआ? देखो, तुम अपने लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। क्या रोही, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे तुमसे मिलने तरस रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए यार। तो सबर करना सीखो सिकंदर, ऐसा ना हो कि फिर हम कभी भी ना मिल सके। रोही, प्लीज सिकंदर, घर को सड़क समझना छोड़ दो। खुदा हाफिज। अच्छा रोही, हेलो, Thank you.
रोही का एटीट्यूड अचानक क्यों बदल गया है? ये मलूकशा और उनकी बीवी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे अपने घर में नहीं आने दिया। इज्जत इज्जत इज्जत, आई एम फेड अप। और ये मामा और डैड, इनकी लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती। शी इज बीइंग सो स्टबर्न, शी इज सेल्फिश। कौन? सिकंदर। हाँ आ जाओ। माएं तो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर गुजरती हैं, अपनी जान तक दे देती हैं। आप तो मेरे खिलाफ मेरी दुश्मन बन गई है। मेरी खुशियों का सोचा कभी आपने? क्यों पैदा किया मुझे? हाँ, फॉर योर सेटिस्फैक्शन। बच्चे तो माओ से बातें छुपाते हैं लेकिन उन्हें फिर भी पता लग जाता है। यहां तो दीवारों तक को मेरी बातें पता है लेकिन आप? डैड ने पूछा था रोही के बारे में आपसे लेकिन आपने वहां जाने से इनकार कर दिया। तुम्हें पता है तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? पता है अपनी माँ से बात कर रहा हूं और उन्हें यह बताने आया हूं कि अगर मुझे रोही ना मिली ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये जो डैड और आपके बीच जो भी चल रहा है ना, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन इसकी वजह से अगर रोही मुझसे छीनी तो मैं बाजार जाके खड़े होके अपने आप को गोली मार दूंगा, समझिए आप। बस साईं, मैं खुद अपनी धी से बात करूंगी। उसके दिल में क्या है, क्या चाहती है, इसका फैसला उसने खुद करना है। ना गर्देजी ने, ना सिकंदर ने, ना तूने और ना मैंने। कमाल करते हैं शाहजी, ये है कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी है ना। चांद ने कभी जवाब भी दिया है? इतनी दोस्ती है तेरी उससे? ये तो हम है माँ जो चांद का जवाब नहीं देते हैं। चांद तो हर वक्त ही बातें करता है हमसे। रूही पुत्र, तेरे अंदर मेरी जिंद जान है, मुझे बस इतना बता दे तू खुश तो है ना। आप ये बात क्यों पूछ रही हैं माँ? इसलिए कि कभी कभी मुझे लगता है तू अंदर ही अंदर घुट रही है, कुछ छुपा रही है हमसे। मुझे पता है आप ये बात क्यों कह रही। तेरी मर्जी तो मैंने तब भी पूछी थी जब तुझे इस लफ्ज का मतलब नहीं आता था। पुत्र, तेरे तो सारे खिडौने भी तेरी मर्जी के। तेरी खुशी में ही मेरी हयाती है, बस माँ हूं इसलिए डर लगता है। पुत्र, ये मोहब्बत बड़ी बेरूपिया है, फेस वटा वटा के सामने आती है। जानती हूँ और देख भी रही।
देख तो बेटा मैं भी रही। पता है मां मैं क्यों नहीं परेशान होती जिंदगी में? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि जिंदगी में कभी भी मैं अगर गलत कदम उठाने लगी ना तो पीछे से मेरी मां मुझे आवाज दे दे कि देख के रोही हकीकत है। तू एक सच्ची रूह है मेरी धी, इसलिए सच खुद चल कर तेरे पास आएगा और तुझे झूठ के पास नहीं जाने देगा। इश्क तो देने का नाम है, जो भी करना है वो इश्क नहीं करना है पुत्र। उतर जा इस पानी में और फिर हाथ पांव न मारी, चलता जा जहां तक तुझे ले जाए ये पानी। डबोता है तो डूब जा, इश्क को ख्वाहिश न बना। चोलिस्तान से मुल्तान तक की मिट्टी हीरे जैसे लोगों से आबाद है। इश्क और हुनर हमेशा से हमारी पहचान रही है। अब यहाँ की औरतों का आप आर्ट ही देख लें, सच में अकल तो हैरान ही रह जाती है। हमारा चोलिस्तान एक क्राफ्ट का एक वर्कशॉप है, कभी फुर्सत मिले तो तशरीफ लाइएगा। हर दफा मुझे एक नए तरीके से हैरान कर देती हैं आप। आपने बुलाया है, जरूर आएंगे।
आइए ये देखिए, ये भी सारा हाथ का काम है, इन्हीं सब ने बनाया है ये। इंतहाई खूबसूरत है, किस कदर नफीस काम। सच कहूं तो ये खूबसूरत क्राफ्ट, ये नफीस दस्तकारी को जब मैंने चंद पैसों में बिकते हुए देखा ना, बहुत दुख हुआ दिल को। इस कदर नफीस काम की तो दुनिया भर में शोहरत होनी चाहिए, इंटरनेशनल ब्रांड बनना चाहिए, और सबसे पहले एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर बनना चाहिए। क्या ख्याल आपका रोहित जी? बिल्कुल बनना चाहिए। आज बहुत याद आई नवाब साहब, आप होते तो मैं फिरोज को मारते हुए इजाजत भी ना लेता। बीबी रानी के हुक्म से मुझे आप ही ने बांधा था सही। हुक्म मानने वाले का सर तो सिर्फ आवाज पर ही उठता है। कसम अपने रब की, बीबी रानी का आंख का इशारा ही कर दें तो ये रात के लीर और लीर करके उनके सर से खुद को हटा दूंगा। बस नवाब से ही आप बीबी रानी के लिए दुआ करते रहिएगा। इस रात का सिर्फ साया है उनके सर पर मेरा अल्लाह गवाह है, मैं इस अंधेरे का भी किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगा। ये वादा है सही मेरा। Hello there. Hi. क्या बात है, रोही के रंग तो तुम पे बहुत सज रहे हैं। हाँ, you like it? I love it. ये सब ना मैंने सिर्फ तुम्हें इंप्रेस करने के लिए किया है। रोही को अपनाना है ना, तो इसकी मिट्टी को अपना बनाना होगा। इसके लिए कुछ करके दिखाना होगा। पता है, मैं यहाँ पे किसी और मकसद के लिए आया था। जब से तुमसे मिला हूं ना, रोहित, I can't stop thinking about you. I think I'm hopelessly in love with you. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिलहाल तो तुम ये करो कि जिस गरीब से एक कपड़े लेकर आए उसे वापस कराओ। वो तो कर दूंगा मैं। अच्छा देखो ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो ना, प्लीज। अच्छा चलो, वापस में मुझे घर छोड़ देना। इट्स फाइन। अच्छे लग रहे हो वैसे। हाँ हाँ, बीबी रानी आई है फातिहा पढ़ने? नहीं साहब, मैं अकेला ही आया। तो मुश्किल है क्या शेर आलम? बंदा तभी अपने बुड़कों के पास आता है
दिलशाद महल की मुश्किलों का तो आपको पता है सर। दोनों में से कौन सी मुश्किल तुम्हें यहाँ खींच लाई है शेर आलम? पता नहीं सर, पर इतना जरूर जानता हूं कि एक आध मुश्किल का हल आपके पास है। मोहब्बत की जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती शेर आलम, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। रब खैर करेगा। और शेर आलम ये बात याद रखना कि जब दुश्मन का पता चल जाए तो नजर सिर्फ उस पर रखी जाती है। मैंने तुमसे कहा भी था बीबी रानी को अकेला मत छोड़ना। ये फिरोज बहुत बहुत बेहरत आदमी है। अल्लाह खैर करे साहब, मेरे जीते जी तो बीबी रानी तक कोई पहुंच नहीं सकता। बाकी साहब आपका साथ जरूरी है। चलता हूं। Hey, my friends, how are you? Come on, bring us all. Let's play. यार हम गेम्स ही तो खेल रहे हैं। And what do you mean by that? Dad, एक बात आप मुझे साफ साफ बताएं। Whoa, I know what you're going to say. तो तुम्हें लग रहा है कि तुमसे कुछ छुपाया जा रहा है। Well, I don't know about Almas, but it's not me. जो भी है डैड, आई फील लाइक आई एम बीइंग यूज्ड। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ ऐसा ही कर रही है। डैड आप भी तो यही कर रहे हैं फिर। एंड हाउ कैन यू से दैट? डैड सब कुछ तो मेरे साथ ही हो रहा है। मामा समझ रही हैं कि मैं हमेशा के लिए उनके साथ हो गया हूँ। शी इज डूइंग हर ओन थिंग, आप यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। मेरा तो कोई सोच ही नहीं रहा। I'm completely ignored, Dad. Ignorance is bliss, my son. देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ. Get it for your future, okay? Don't worry about Rohi. Rohi आ जाएगी जब तुम्हारे पास सारे assets होंगे. मलूक शाह इज अ ग्रीडी मैन माय सन। वो होंगे डैड, रोही इस तरह नहीं है। डू यू नो करतेजी उसके पीछे पड़ा हुआ है। गर्देजी को सिर्फ रोही इस्तेमाल कर रही है फॉर हर चोलिस्तानी प्रोजेक्ट। डैड आप रोही को नहीं जानते और तुम पैसों की ताकत नहीं जानते बेटा। गर्देजी को खेलने दो, रोही को भी खेलने दो। तुम सिर्फ एसेट्स को ग्रैब करो और फिर सारी दुनिया तुम्हारे पैरों पे खुद आ जाएगी। यार Just don't get me yet. Hey, that's life, brother. Hello, little princess. Hello, uncle. How are you? Good. Surprise? It's fine. No, not at all. Please. तुमसे एक बात करने आया था। श्योर, कॉफी? नो, नॉट रियली। रोही देखो, सिकंदर तुमसे मोहब्बत करता है, बल्कि मोहब्बत गया तुम्हारे लिए पागल हो रहा है। तो क्या तुम भी उससे इतनी मोहब्बत करती हो?
देखो ये ना समझो कि सिकंदर ने मुझे भेजा है, मैं खुद यहां आया यही देखने के लिए कि क्या तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो या नहीं, और अगर करती हो तो उसको हासिल करने की कोशिश करोगी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुमको पता है ना कि मैं और अलमास डिवोर्स्ड हैं, तो तुम्हारा हाथ लेने के लिए फॉर सिकंदर हम दोनों को क्या जरूरी है इकट्ठा होना? मैं तैयार हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी, बट अलमास आई एम नॉट टू श्योर। अंकल ये देखें, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, मेरा इस बात से कोई लेना देना है नहीं। मुझे नहीं लगता आपको ये बातें मुझे बतानी चाहिए। I knew it. ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे पता था कि सिकंदर ने कितनी बड़ी गलती की है। क्या समझती हो, अपनी मासूमियत से मेरे बेटे के दिल में दाखिल हो जाओगी? जो तुम चक्कर चलाना चाहती हो कामयाब नहीं होगी बेटा, समझी? जी अच्छी तरह से। और मुझे ये लगता है कि अब आपको जाना चाहिए। हाँ चले तो जाएंगे, लेकिन कैसा लगा वैसे एक्सपोज होना? जैसे कि कैक्टस पे पैर पड़ गया, राइट? टेक केयर। हर प्यास जली जब रे